नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पाठक परीक्षा प्लस परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको 10 प्लस जो कोर्सेज की क्लास है उससे लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको रीजनिंग कराऊंगा। और रीजनिंग में मैं आपको जो चॉइस किया हूं, यूपी ट्रिपल एससी के जो विगत वर्षों में परीक्षाएं हुई हैं, ठीक है, उसके प्रश्न पत्रों को लेकर मैं सॉल्व कराऊंगा। आप लोग कह भी रहे थे टेलीग्राम ग्रुप पे, आप सभी का यही क्वेरी था कि सर आप जो है प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करा दीजिए पूरा का पूरा। तो वही मैं आज शुरू करूंगा। और जितने लोग मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं इस सेशन में, जो भी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, क्योंकि ये जो कोर्स है 10 प्लस कोर्स का मतलब आपके जितने भी यूपी गवर्नमेंट जो है आपको एग्जाम कराती है, जो अभी लेटेस्ट में कराएगी जैसे ही आपकी ये स्थिति सामान्य होती है, तो उसमें जो 10 एग्जाम है उसको कवर किया जाएगा। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे उस बेस पे कि जो एजेंसी आपकी एग्जाम लेती है उस बेस पे कि कैसे वो क्वेश्चन को फ्रेम करती है, वैसे नए नए क्वेश्चन आपको टीचर द्वारा हमारे कराए जाएंगे। प्लस इसमें आपको सभी सब्जेक्ट की क्लास चलेगी, आपकी रीजनिंग, मैथ, जीएस और जीएस प्लस, ठीक है। तो ऐसे में कर शुरू होगा पूरा का, एक शेड्यूल वाइज आपको क्लास मिलेगी। तो अभी जो है ये सेकंड क्लास है आपकी जो रीजनिंग की, मतलब पहले आपको मैथ्स मिलेगी, उसके बाद से सेकंड ये आपका लेक्चर है सेकंड डे का, इसमें रीजनिंग होगा, ठीक है। तो अब रीजनिंग वाले में हम चालू करते हैं। जो कंप्यूटर ऑपरेटर का जो आपका हुआ था क्वेश्चन पेपर जो हुआ था आपका 10 जनवरी को शायद हुआ था ये इसी में 2020 में, तो उसके प्रश्न पत्र को मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। तो इसमें जो क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए इसमें क्या होता है कि यूपी ट्रिपल एससी आपको हमेशा कुछ ना कुछ रीजनिंग में नया करती है, इसीलिए बाकी सब प्रश्न तो आपको सेम रहेगा, मगर रीजनिंग में कुछ दो चार प्रश्न ऐसे रहेंगे जो आपको घुमा देंगे, आपका टाइम जो है ले जाएंगे। तो अगर आप उस पर टाइम देते हो तो कहीं ना कहीं आप लॉस में चले जाओगे, जो भी प्रश्न आते होंगे उसे छोड़ देंगे आप। तो इसलिए हमें क्या करना है कि जहां ऐसा लगे कि वो चीज नया है तो उसको थोड़े देर के लिए पॉज कर देना है कि उसे बाद में देखेंगे, जब पहले जो आ रहा है उसे कर लें। तो अभी जैसे ये मैं सॉल्व कराऊंगा तो आपको पता चलेगा कि कहां पे उसने नया कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रखा है, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपको क्वेश्चन बोर्ड पे दिखेगा। पहला क्वेश्चन है, सिंपल सा है, ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, हमेशा पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे यूपीपी हो, चाहे यूपीएसआई हो, ठीक है। चले तो इसमें एक सिंपल सा है, इसमें बोला है कि डबल ई ट्रिपल ई है एल एल पी डबल एस, ये वर्ड दिया हुआ है और आपसे चार ऑप्शन दिया गया है, बोला है कि कौन सा ऑप्शन कौन सा वर्ड इससे नहीं बन सकता है या बन सकता है, दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें आपसे क्या पूछा है, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन पेपर पढ़ने जाना, एक बात याद रखना कि उसमें क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि हैबिट क्या होती है आपकी कि हमेशा क्वेश्चन करते हो, तो ध्यान आपका इंट्यूशन वहीं जाता है कि अरे पूछा होगा नहीं बनता, तो आप ऑप्शन कुछ और मार के चले आओगे, फिर जब घर आओगे मिलाओगे आंसर की से तो देखोगे उसमें पूछ रहा था कि नहीं बनता है। तो आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, इसमें बोल रहा है कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन जो है आपका इसमें जो ऑप्शन बी है आपका सी, सॉरी एस एल ई ई पी एल ई एस, बाकी जो आपके ऑप्शन है जैसे ऑप्शन ए है इसमें एक वर्ड टी आ गया है, जो टी यहां आपको मिलेगा नहीं। ऑप्शन जो बी है इसमें भी टी आया हुआ है, वो भी यहां यूज नहीं हुआ, इसमें नहीं है। ऑप्शन जो सी है इसमें जितने भी लेटर हैं, डबल एस यहां दो बार एस मिलेगा, पी है, डबल एल है, डबल ई तीन बार ई है, तीन बार ई आपको मिलेगा यहां पे। तो ये जितने भी लेटर यहां यूज हुए हैं वो सबके सब आपके ऑप्शन सी में यूज हैं, इसका मतलब इन वर्डों से ये बन सकता है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखेगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जब आप ध्यान से नहीं पढ़ते हो ना तो क्वेश्चन गलत कर देते हो, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा रीजनिंग के बहुत टफ नहीं होते, एकदम आसान क्वेश्चन होते हैं। तो बोल क्या रहा आपसे कि एक ग्रुपिंग दिया हुआ है ऑप्शन का, उसमें बोल रहा है इसमें से ऑड वन आउट क्या है, ये सभी चैप्टर, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, ऑड वन आउट, डिस्टेंस डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, इसके तो भरमार पड़े होते हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी में, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो यहां से जो क्वेश्चन पुट करते हैं ना, खासकर टीसीएस एजेंसी वो ज्यादा करती है। चलिए इसमें आपको है कि ऑड वन आउट बताना है, क्वेश्चन नंबर दो, ऑप्शन देख लेते हैं इसका ऑप्शन से कि पहला ऑप्शन क्या है, सी एच एस एक्स, ऑप्शन बी क्या दिया है, आई के पी आर, ऑप्शन सी क्या है, डी जे क्यू
डब्ल्यू, उसके बाद से ऑप्शन डी क्या है आपका ए एफ डब्ल्यू जेड, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा चार ऑप्शन दिया है, इसमें पूछ रहा है आपसे कि कौन सा ऑड वन आउट होगा। तो इसमें क्या है, पहला तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको नंबर जो प्लेस वैल्यू है लेटर के अल्फाबेट्स की वो याद होना चाहिए, तो वो याद हो या आप एग्जाम देते समय पेपर पे लिख लो ताकि आपको तुरंत पता चल जाए कौन कितने गैप पे है। तो आप लोगों सबको याद होगा, मेरे साथ साथ बोलते जाओ जैसे मैं इसमें बोल रहा हूं कि क्या कौन से नंबर पे आता है, किस पे आता है, सी थ्री पे, एच कितने पे एट पे, एस कितने पे आता है उन्नीस पे, और एक्स कितने पे आता है चौबीस पे, ठीक है। बी वाले को भी कर लेते हैं, आई कितने पे नौ पे, के ग्यारह, पी सोलह और आर अठारह, बोलते रहो याद हो जाएगा पूरा का पूरा। डी किस पे आता है चार पे, जे किस पे आता है भाई बोलो दस, उसके बाद से क्यू सत्रह, और डब्ल्यू कितने पे आता है तेईस, ए कितने पे आता है एक छ, और ये किस पे आता है तेईस, और ये कितने पे आता है छब्बीस पे। अब जब नंबरिंग कर लोगे तो आपको दिख जाएगा कि इनके बीच में गैप से चल रहा है या कुछ और लॉजिक लग रहा है। यहां से देखो कितने का गैप है पांच का, और यहां पे कितने का गैप है, काफी गैप है, ग्यारह का गैप है, उसके बाद से फिर कितने का गैप है कम गैप है, यहां पे देख लें तो कितने का गैप है दो का, यहां पांच का, इसका मतलब अलग अलग है, चार पे यहां पे छह का गैप है, तो इसका मतलब गैपिंग तो नहीं चल रही है भाई, इसका मतलब कुछ और चल रहा है, सोचो, ठीक है। क्या होता है मैक्सिमम आपको जो क्वेश्चन मिलता है ऐसे ऑड वन आउट का, तो आप क्या देख लेते हो कि गैप देख लेते हो, ढूंढ लेते हो, पता कर लेते हो किसी एक में गैप, अगर आपका वो वाला गैप सेम नहीं मिल रहा है तो उसे ऑड वन आउट बता देते हो, मगर यहां लॉजिक कुछ और है। लॉजिक क्या है समझ गए होगे तो बता दो कमेंट करके, और नहीं समझे हो तो मैं समझा रहा हूं। इसमें यह है कि देखो अपोजिट पेयर का लॉजिक जानते होगे, अपोजिट पेयर क्या होता है, जब अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू जो होता है उसमें क्या होता है अपोजिट वैल्यू वो 27 देता है, उनकी प्लेस वैल्यू का जो सम होगा वो 27 देगा, तो 27 किसकी किसकी आएगी 24 और 3 27 हो रहा है, 19 और 8 ये भी 27 हो रहा है, मतलब बीच वाले जो हैं ये क्या है अपोजिट पेयर है, और यहां वाले भी क्या है अपोजिट पेयर है। वैसे देख लेते हैं कौन कौन सा ये सम 27 देगा, 11 और 16 ये भी 27 देगा, 18 और 9 ये भी 27 देगा, मतलब वो भी उसी मॉड्यूल पे चल रहा है। सी ऑप्शन क्या आपका 10 और 17 ये भी 27 देगा, और ये 4 और 23 ये भी आपका क्या होगा 27 देगा, ये भी अपोजिट पेयर है, मतलब ये भी उसी मॉड्यूल पे चल रहा है। लास्ट ऑप्शन डी बचता है, जब तीनों के तीनों आपके वही हो गए तो इसमें कुछ सोचना नहीं है, यही आपका आंसर होगा। तो कैसे 6 1 7, ठीक है, यहां पे देखो कितना होगा 29 ये सम दे रहा है, और 26 1 ये 27 दे रहा है, तो ये तो है अपोजिट पेयर, मगर ये नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये उस क्लास से बिलोंग नहीं करता, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये ऑड वन आउट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, आप सभी लोग ध्यान से पढ़ो उसे और खुद आंसर लगाने की कोशिश करो, अगर आ जाता है तब तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो मैं बताऊंगा ही, मैं हूं इसीलिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, सीरीज है आपकी, वो भी कौन सी अल्फाबेटिक सीरीज, सीरीज में क्या है L, J, B, N, I, Y, P, H, V, R, G, S और T, F, P, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाया है और आपसे पूछ रहा है कि अब अगला इसमें कौन सा होगा, इस सीरीज को कैसे कौन सा फॉलो करेगा। तो जो भी हो गए मैंने बताया आपको कि आपको क्या चाहिए, सभी का प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, तो प्लेस वैल्यू याद है तो मेरे साथ बोलते रहो, और जिसको नहीं याद है ये पूरा लेक्चर देख लोगे धीरे धीरे सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। इतनी बार मैं प्लेस वैल्यू बोल दूंगा कि आपको खुद ही याद होने लगेगा। एल कितने पे आता है 12 पे, जे 10 पे, बी कितने पे आता है 2 पे, एन कितने पे है 14, 9 और वाई 25, ये कितने पे होता है 16, ये 8 और ये 22 पे, आर कितने पे होता है 18, जी 7, एस कितने पे होता है 19, ये 20 और ये कितने पे होता है आपका 6 और ये 16 हो गया। अब आप देखोगे इसमें जैसे ही नंबरिंग कर लोगे तो पता चल जाएगा कि चल क्या रहा है। जैसे एल से एन कितना चला 12 पे 2 ऐड करोगे तभी तो 14 आएगा, फिर 14 में 2 ऐड करोगे तो 16 आएगा, तो 16 में 2 ऐड करोगे तो 18 आएगा। तो अब ऐसे नहीं सब में चेक करते जाना, जब पता चल गया पहले से प्लस
पहले वाले टर्म में और इसके पहले वाले टर्म में दो ऐड हो रहा है, तो क्या करोगे उसे, तो दो प्लस करते चले जाओगे, तो दो प्लस करोगे तो यहां से दो प्लस करोगे, ठीक है, तो दो प्लस जब करोगे तो 20 है तो 22 होगा, तो पहला लेटर क्या आ जाएगा, वी। तो ऑप्शन देखो डायरेक्ट कि अगर सर ऑप्शन क्या है, आपको दिख रहा होगा ऑप्शन ऐसा है कि नहीं है, इसमें दो तीन ऑप्शन है आपके जो वी से शुरू हो रहे हैं। चलो आगे वाला करते हैं क्योंकि तीन ऑप्शन है। अब देखो 10 से 9 क्या हो रहा है, इसमें माइनस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है। 9 से 8 हो रहा है, एक माइनस हो रहा है। 8 से 7 हो रहा है, एक माइनस हो रहा है। 7 से 6 हो रहा है, एक माइनस हो रहा है। तो 6 से एक माइनस होगा तो क्या होगा, ई होगा, ठीक है। तो देख लो वी ई कहीं है, हाँ दो ऑप्शन में है, ए और बी दो ऑप्शन में है, इसका मतलब हमें तीसरा भी निकालना पड़ेगा। चलो निकाल लो, बी से वाई जा रहा है, इसका मतलब रिवर्स में आ रहा है, तो कितना कम आ रहा है, ये माइनस तीन का हो रहा है, ठीक है। 25 से 22 में आ रहा है तो कितना, तीन माइनस करोगे तो 25 में से तीन माइनस करोगे तो 22 आएगा, तो ये भी माइनस तीन आ रहा है, सब में माइनस तीन है, तो 16 में से माइनस तीन करेंगे तो लास्ट वाला लेटर क्या आएगा हमारा, 16 में से तीन माइनस करो 13 आएगा, 13 पे क्या होता है, एम होता है। तो वी ई एम जो होगा वो ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन है इसमें, आपका ऑप्शन जो है ए पहला ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, आप लोग अच्छे से पढ़ें उसे और करने की कोशिश करें, ठीक है, और उसे आंसर अगर आ जाए तो कमेंट में जवाब दे दो, ठीक है, कमेंट में जवाब दे दो। अगर नहीं आता है तो क्या करो, मैं तो बताऊंगा ही, उसे देखो और उसके बाद से अगले क्वेश्चन में जब मैं पूछूं कि कमेंट में जवाब दो तो उस पर लॉजिक लगा के देना, ठीक है। चलो आ जाओ अगला है, क्या है, कोडिंग डिकोडिंग। इससे आपको हमेशा नंबर ऑफ क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, 3 से 4 क्वेश्चन, जूनियर असिस्टेंट में 4 क्वेश्चन लगातार मिले थे आपको, लोअर में 3 से 4 क्वेश्चन, इसमें भी आपका कंप्यूटर ऑपरेटर में एक क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसमें ज्यादा नहीं पूछा था, एक क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से पूछा था। चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ लिया होगा सभी ने, जिसका आंसर आ गया होगा, ठीक है, बहुत अच्छा। चलो डी ए एम एस ई एल, इसे कोड किया गया है ए ई डी एल एम एस, ठीक है, और पूछ रहा है आपसे कोड किसका, वी ए एल ओ यू आर, इसका कोड पूछ रहा है आपसे। तो इसमें पहले आप सोचोगे क्या लॉजिक लग रहा है, तो इसमें नंबरिंग ना करना, क्यों, क्योंकि जितने वर्ड आपको यहां दिख रहे हैं वही यूज हुआ है यहां पे, बस प्लेस चेंज हो गया है, तो ठीक है, तो जो भी लेटर यहां है वही लेटर यहां है, सिर्फ प्लेस चेंज है, तो आपको उसकी प्लेस वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। उसे अरेंज किया गया किस माध्यम से किया है, इसमें दो लॉजिक से आप आंसर बोल सकते हो। पहले यह है कि आप जितने हैं सबकी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, उसके बाद से देख लो कि ये लेटर कहां पे है, ए किस पोजीशन पे, 2 पे है, ई किस पे है, 5 पे है, और डी किस पे है, 1 पे है, एल किस पे है, 6 पे है, और एम किस पे है, 3 पे है, और एस किस पे है, आपका 4 पे है, ठीक है, ये हो सकता है। तो तुम इसे भी कर लो अरेंज, 1 2 3 4 5 6, वैसे इसे भी डाल दो, 2 5 1 6 3 4 होना चाहिए, तो 2 पे इसमें क्या है, ए है, 5 पे क्या है इसमें, यू है, और 1 पे क्या है, वी है, और 6 पे क्या है, आर है, और 3 पे क्या है, एल है, और 4 पे क्या है, आपका ओ है। तो देखो क्या ऑप्शन है ऐसा क्वेश्चन में, ऐसा कोई ऑप्शन है, ए यू वी, ठीक है, आर एल ओ, तो आर एल ओ तो नहीं, आर ओ एल है। तो आप कहोगे सर ये तो लॉजिक चला ही नहीं, ये तो फेल हो गया आपका लॉजिक, नहीं फेल नहीं हुआ, वहां जब सोचोगे तो सोचोगे क्या, एक ही यही थॉट आएगा तुम्हारे दिमाग में, जब कोडिंग डिकोडिंग में दूसरा पहलू सोच ही नहीं पाओगे, कहोगे सर जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन गलत था, क्योंकि इसमें ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। भाई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था ये रीजनिंग है, जब एक बार आपका ऑप्शन उसमें नहीं दिखा तो एक बार सोचो कि क्या किसी और लॉजिक तो नहीं लगा इसमें, क्योंकि रीजनिंग मतलब लॉजिक, और जब तक उसके पूरे लॉजिक नहीं निकाल लोगे ना तब तक पता नहीं चलेगा किस लॉजिक से ऑप्शन सेट किया गया है। तो दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, अब मैं बता रहा हूं, दूसरा लॉजिक ये है इसमें कि देखो बच्चा, जिसमें ये है पूरा का पूरा जो वॉवेल होगा,
ठीक है, वॉवेल को एक साथ लिखा गया है और उसे अल्फाबेटिकली अरेंज किया गया है। उसके बाद जो कॉन्सोनेंट बच रहा है उसे अरेंज किया गया है। तो जब उसके हिसाब से चलेंगे तो देख लो क्या होगा, इसमें वॉवेल कौन कौन सा है, ए और ई। जब अल्फाबेटिकली अरेंज करोगे तो ए और ई ही होगा। पहले यहां पर वैसे दिख रहा था कोड जो था, उसके बाद से कॉन्सोनेंट जो कौन कौन से बचेंगे आपके, तो वो बचेगा डी, उसके बाद क्या आएगा, डी के बाद एल आएगा, उसके बाद एम आएगा, उसके बाद एस आएगा। कोड इस ऑर्डर से भी हो सकता है, पहले मैंने बोला कि प्लेस वैल्यू चेंज हुई होगी उस हिसाब से देख लो। और दूसरा मैंने बताया कि पहले वॉवेल को निकालो, उन्हें अल्फाबेटिकली अरेंज करो, ये हो गया, फिर कॉन्सोनेंट को अल्फाबेटिकली अरेंज करो। ठीक, तो अब वही चीज इसमें हम करेंगे, तो हो सकता है मेरा ऑप्शन मैच खा जाए जो आपका ऑप्शन दिया है। अब इसमें देखते हैं कि पहले वॉवेल कौन कौन से हैं, उन्हें उठा लेते हैं। वॉवेल कौन है, ए है, फिर ए क्या आएगा, ए के बाद ओ आएगा, उसके बाद क्या आएगा, यू आएगा। ठीक है, ए ओ यू, उसके बाद आपका क्या आएगा, ये पूरा का पूरा वॉवेल अरेंज हो गया। उसके बाद आपको कॉन्सोनेंट अरेंज करना है, तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, एल आएगा, उसके बाद आर आएगा, उसके बाद वी आएगा। तो देखो क्या ऐसा ऑप्शन में है, ए ओ यू एल आर वी, तो ऐसा है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था, लॉजिक ये लगा था। एक बार सोचते कि सिर्फ रीअरेंज हुआ है तो कहते सर क्वेश्चन गलत आया था, क्वेश्चन गलत नहीं आया था, उसमें लॉजिक जो है अलग तरीके से पूछा था, इसीलिए ऑप्शन आपका पता नहीं चला जो आप ऑप्शन निकाल रहे थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, ध्यान से पढ़ना और लॉजिक लगा के करना, अगर आ जाए तो अच्छा है, आंसर आपका मैच खा जाए ऑप्शन से, नहीं मैच खा रहा है तो मैं बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नया एकदम, ऐसा क्वेश्चन आपको मिला नहीं होगा, एकदम नया है। जब भी आप सोचोगे इसके बारे में तो उस हिसाब से नहीं कर पाओगे अगर इस पे कहीं प्रैक्टिस नहीं किए हो। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बताया है कि 6, 15, 30, ठीक है, उसके बाद से है 12, 14 और 84। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन क्या क्या है इसमें, 12, 16, 32, ऑप्शन बी है 16, 12, 36, ऑप्शन सी है 12, 16, 48 और ऑप्शन डी है आपका 16, 12, 72। अब इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है, जैसे ये है, ये दोनों पद दिए गए हैं, जो सिमिलरिटी इसमें है इन दोनों में है, वैसे ही आपको इस ऑप्शन से निकालना है कि ऐसे इसको कौन, मतलब ये एक सीरीज में है, ऐसे ही जो इसमें लॉजिक लग रहा है वैसा ही सीरीज कौन सा इसे फॉलो करेगा, सेम हू बहू। तो कैसे करोगे, कुछ लोगों ने कहा इसे जब ये क्वेश्चन आया था कि ये गलत था क्वेश्चन, गलत नहीं था, लॉजिक आना चाहिए आप लोग में, जिसपे आ गया होगा, जिसने लगा लिया तो बहुत अच्छा, उसके लिए तो एक्सीलेंट है, इस क्वेश्चन के लिए जिसने लगा लिया होगा उसके लिए एक्सीलेंट है ये। चलो इसमें क्वेश्चन है अब इसमें लॉजिक क्या लगा है, देखो 6 और 15 15 छक्के 90 और 6 और 15 का एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इसमें, 3 होगा, 3 5 15 और 3 2 6, तो 3 जो होगा इसका एचसीएफ होगा, उस 3 से इसे डिवाइड किया गया है तो आपका क्या आएगा 30। ठीक है, वैसे ही आपका 12 और 14 इसमें क्या होगा 168। ठीक, और इसका क्या होगा 7 × 2 14 का और 6 × 2, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा 2, तो ये आ जाएगा 84। तो ऐसे ही ढूंढना है ऑप्शन में आपको कि जो 12 और 16 सम में है तो इनका एचसीएफ कितना होगा 4। ठीक है, अब 12 × 16 कितना होता है, 192 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 48। तो ये आपका मैच खाएगा क्योंकि इसका एचसीएफ 4 है, 192 से इनका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, तो 12 × 16 192, इसका एचसीएफ 4 से डिवाइड करोगे तो 48, तो ये पेयर मिलना चाहिए, तो 12 और 16 48 वाला, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको अगर आपने इस लॉजिक पे किया होगा तो बहुत बढ़िया, उसके लिए क्या है, उस बच्चों के लिए एक्सीलेंट। ठीक है, ये आपको नया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 6 नंबर क्वेश्चन, पढ़िए
आसान सा क्वेश्चन है और उसका आंसर दीजिए, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प आपको दिया गया है 7 3 4 3, बोला ऐसे ही कौन सा मैच खा रहा है ऑप्शन में, ए बी सी डी आपके ऑप्शन चार दिए गए हैं, सेम हो बहुत लॉजिक से कौन सा मिल रहा है आपका। तो ऑप्शन ए क्या है आपका इसमें 5 125, ऑप्शन बी क्या है 4 16, ऑप्शन सी क्या है 3 81 और 25 125। तो ये क्या है, देखो 7 और 7 का क्यूब ये है, तो ये इसमें क्या है? पहले ऑप्शन को चलेंगे तो 5 और 5 का क्यूब, तो यही सेटिस्फाई कर गया, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाए। तो इसलिए मैंने बोला था बहुत सा आसान क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, ये कोडिंग डिकोडिंग का है, 2 क्वेश्चन था आपका कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। स्क्रीन पे उसे अच्छे से पढ़ो और आंसर बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपका कि यदि जई को गाजर कहा जाए, गाजर को ब्लिम्स कहा जाए, ब्लिम्स को फूल कहा जाता है, फूल को पत्थर कहा जाता है, पत्थर को गुब्बारा कहा जाता है और गुब्बारे को खिलौना कहा जाता है, तो कलियां खिलकर क्या बनती हैं? तो जो कलियां होती हैं वो खिल के फूल बनती हैं, और फूल को क्या बोला गया, पत्थर बोला गया है, तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है, पत्थर, फूल को क्या बोला गया है, पत्थर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पढ़िए और आंसर दीजिए, ठीक है। वह विकल्प चुने जिसमें अक्षर समूह उसी प्रकार आपस में संबंधित है जैसे दिया गया अक्षर समूह संबंधित है। एक आपको दिया गया है जे एन क्यू और एस, आपको बताना है इसमें कि ऐसे ही जो लॉजिक इसमें लगा है इसी के हूबहू कौन सा ऑप्शन सही होगा ए बी सी डी, ठीक है। तो इसमें लॉजिक देख लेते हैं भाई, इसमें लॉजिक कहाँ लगा है, उसके बाद से हम ऑप्शन में देख लेंगे, आपको क्वेश्चन देख ही लिए होंगे जिसने लगा लिया होगा, बहुत अच्छा। अब देखिए ये किस पे आता है 10 पे, ये किस पे आता है 14 पे, ये किस पे आता है 17 पे और ये किस पे आता है 19 पे। इनके बीच का गैप देख लेते हैं, ये कितने पे है +4, ये +3 और ये कितने पे है +2, ठीक है। यही फॉलो होना चाहिए आपके हर एक ऑप्शन में, जो ऑप्शन आपको मतलब हूबहू इसी तरह मैच खाएगा इसका मतलब गैप भी यही होना चाहिए 4 +3 +2 का। तो ऑप्शन बी जब इसमें चेक करोगे आप लोग, तो ऑप्शन बी क्या है पी टी डब्ल्यू और वाई, नंबरिंग कर लो इसकी प्लेस वैल्यू 16 20 23 25, तो 16 4 20 और 20 3 23 और 30 और 2 25, तो 4 3 2 चला, सेम वही लॉजिक, तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो होगा ये सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इसमें आपसे पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन से पूछ रहा है कौन सा वर्ड इनके आगे लगा दिया जाए तो मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा, ठीक है। उसमें ऑप्शन क्या क्या है आपका, देखो एक तो ये है आई जी टी ए एम ई ई डब्ल्यू ए टी, ठीक है। और ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन ए है बी आर लगा दें इसमें आगे ब्लैंक है, ठीक है, या ऑप्शन बी है एस एच, ऑप्शन सी पी एल, ऑप्शन डी एफ एल, तो क्या लगा दें कि एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। तो सिंपल सी बात है, यहां पे ब्राइट तो हो जाएगा मगर ब्रेम कोई वर्ड नहीं होता है, तो ऑप्शन ये तो खत्म हो गया, ऑप्शन डी कैसे करते हैं, ये होगा फ्लाइट, ये होगा फ्लेम, ये होगा फ्लू, ठीक है, ये होगा फ्लैट, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन आ गए, मैंने बोला था 3 से 4 क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग से यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, जो टीसीएस है आपका कोडिंग डिकोडिंग 3 से 4 क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो वो देगा ही देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, पूरा आपका कोडिंग डिकोडिंग है, इसमें लिखा हुआ है एम ओ एच यू आर यू एफ टी एन वाई के इंटेलिजेंस हार्डवर्किंग, उसके बाद से कोड किया गया एम ओ एच यू ट्राइब जेस्ट, ठीक है, जे ई सी एच, इसे कोड किया गया टेस्ट एंड एग्जामिनेशन जे ई सी एच एल वाई जी ई एग्जामिनेशन क्वेश्चन स्टोच आर यू पी टी इंटेलिजेंट आंसर, आपसे पूछ रहा है
क्वेश्चन एंड आंसर का कोड क्या होगा। तो इसमें क्या करो, कॉमन देखना होता है, जो भी कॉमन मिल जाए उसका कोड निकाल लो, उसके बाद से आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें कॉमन कैसे देखेंगे, इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट यहां कॉमन है, ठीक है, इसका मतलब इंटेलिजेंट इनमें और इनमें कोड कोई ना कोई कॉमन होना चाहिए। तो कौन सा कॉमन है, आर यूपीटी, इसका मतलब आंसर हमें चाहिए क्या, आंसर। तो आंसर का कोड क्या होगा, आंसर का कोड क्या होगा, एस डी ओ जे, ठीक। तो एक तो लिख दो एस डी ओ जे, आंसर का आ गया। उसके बाद हमें क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन कहां पे है, यहां पे है, ठीक है, और एग्जामिनेशन है। तो देख लो इनमें और इनमें कंपेयर कर लो, एग्जामिनेशन और क्वेश्चन में। तो यहां पे एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन कॉमन है, सिर्फ दो ही चीज कॉमन है, तो यहां पे कोड भी दो चीज कॉमन होना चाहिए। तो वो क्या कॉमन है, जेई सी एच और जेई सी एच, इसका मतलब जेई सी एच तो होगा नहीं, यहां बचा क्या एल वाई जी ई, तो एल वाई जी ई मतलब क्या हो जाएगा आपका, यहां पे क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये लिख लिए। अगला क्या है आपका, एंड, ठीक है, एंड। तो पहला और दूसरा कंपेयर कर लो, इसमें क्या है एंड आ रहा है, देखो यहां पे एंड, ठीक है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, एमओ एच यू, तो इसका मतलब एंड का मतलब क्या हो जाएगा, ओ एम ओ एच यू। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन पूरे का पूरा का आंसर, कोड इसका हो जाएगा एमओ एच यू। अब ये कोई जरूरी नहीं है ऑप्शन में आपका ऐसे ही लिखा हो, ये किसी भी अरेंज ऑर्डर में लिखा जा सकता है। तो आपने जिस ऑप्शन में दिख रहा होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 जो है आपका किससे है, मिरर इमेज से है। मिरर इमेज इसमें आसान सा क्वेश्चन था, ये आसान सा क्यों है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पे, क्योंकि इसमें लेटर का ना कोई फिगर है, ना ही कोई ऐसा डिजिट है, ना ही कोई ऐसा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फिगर नहीं है कि आपको इसका मिरर इमेज निकालने में परेशानी होगी। तो क्या दिया है, मेटल दिया हुआ है, उससे पूछ रहा है कि आपका मिरर इमेज क्या होगा। यहाँ पे अगर मिरर है तो मिरर इमेज क्या होगा, तो ये आपका एस ऐसे बनेगा, एल यहाँ हो जाएगा, ये ए होगा, ये टी होगा, क्योंकि इसमें मिरर में क्या करोगे, जो लेफ्ट होगा वो राइट हो जाएगा, जो राइट होगा वो लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ई क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और एम क्या हो जाएगा, ये। तो ऑप्शन जो सी है आपका 11 नंबर क्वेश्चन का वो सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 डिस्टेंस डायरेक्शन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पढ़ लीजिए सभी लोग, और वीडियो पॉज करके सभी लोग आंसर दीजिए उसका, और जैसे मैं आंसर बताऊं आप लोग मैच करिए कि किसका सही है किसका गलत है, ठीक है। चलिए सभी लोग ने कर लिया। 12 नंबर क्वेश्चन डिस्टेंस डायरेक्शन का सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम आसान सा क्वेश्चन, हलवा एकदम। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है सुमन अपने घर से निकली, बाई और मुड़ी, उत्तर की ओर 300 मीटर चली और महात्मा गांधी जंक्शन पहुंच गई, वहां से वो दाई तरफ मुड़ी और एक बीमार मित्र से मिलने 500 मीटर चलकर अस्पताल पहुंची, उसके बाद वो दाएं मुड़कर एक सुपरमार्केट में गई, सुपरमार्केट से खरीदारी करने के बाद वो सीधे चलकर अपने घर गई, महात्मा गांधी जंक्शन से अस्पताल तक की सड़क किस दिशा में जाती है। इतना सब पूछा है और पूरा का पूरा रामायण लिख दिया है आपसे। क्वेश्चन सिर्फ दो लाइन का है, सिंपल सा, कि आप जब डायग्राम बनाओगे कि वो यहां से क्या मुड़ी, बाएं मुड़ी, बाएं मुड़ने के बाद कितना चली थी, 300 मीटर, 300 मीटर चलने के बाद कहां पहुंची थी, महात्मा गांधी जंक्शन पहुंची थी, ठीक है, ये जंक्शन हो गया। अब यहां से वो दाएं मुड़ी और कहां पहुंची है, हॉस्पिटल पहुंची है किसी मित्र से मिलने के लिए, तो ये आपका हॉस्पिटल हो गया। उसके आगे का जो डाटा दिया वो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ इसी और इसी के बीच में पूछ रहा है, ठीक। तो ये 500 मीटर की दूरी पे है, तो आप सिंपल से बता सकते हैं कि यहां से, यहां पर अगर डायरेक्शन आप बताओ बनाओगे महात्मा गांधी जंक्शन पे, तो यहां से ये आपका क्या होता है, वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है हॉस्पिटल। तो आपसे वही पूछा है कि महात्मा गांधी जंक्शन से हॉस्पिटल किस दिशा में है, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, ऑप्शन आपको दिया हुआ है पश्चिम से पूर्व, आपका ऑप्शन डी जो होगा ये सही होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे है, ऑड वन आउट से रिलेटेड क्वेश्चन है, देख लीजिए सभी लोग, आंसर निकालिए, जिसका आंसर आ जाए वो बताओ कि आंसर आ गया है, और जिसका नहीं आता है मेरे आंसर से मैच करिए और देखिए कि क्यों गलत हुआ, कहां आप गलत कर रहे हो, क्या कॉन्सेप्ट लगना चाहिए था उसमें कि ऑड वन आउट का, कि आपसे गलत हो गया, आप किस कॉन्सेप्ट पे जा रहे हो, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन क्या है, इसमें सिंपल सा है, ऑड वन आउट, ऑप्शन में लिख दे रहा हूं, ऑप्शन है डायग्राम में बना हुआ है यहां 1 17 4,
ऑप्शन बी क्या है? 2, 13, 3, ठीक है। ऑप्शन सी है 34, 4, 5, ऑप्शन डी है 26, 1 और 5। अलग अलग शेप में ये सब लिखे हुए हैं, मैंने सिंगल एक शेप ले लिया है, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिखेगा बोर्ड पे, तो इसमें आपको ऑड वन आउट छांटना है। तो क्या इसमें लॉजिक लग रहा है, चलिए देखते हैं। लॉजिक ये है कि यहां पे जो 17 है ये 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 4 से जब डिवाइड हो रहा है तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा, 16 एक रिमाइंडर बचेगा, ये सेटिस्फाई कर रहा है यहां पे ऑप्शन ए में, ठीक है। ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं, इसमें क्या हो रहा है, 5 है यहां 34 है, तो यहां पे कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, डिवाइड करेंगे तो, ठीक है, तो 6 बार जाएगा आपका, 4 रिमाइंडर बचेगा, वही यहां लिखा हुआ है, मतलब ये रिमाइंडर लिखा हुआ है। और यहां पे हम जाएंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे 13 को, तो 4 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, यहां लिखा कितना है 2, ये इसे फॉलो नहीं कर रहा है, ये फॉलो किया उस प्रोसीजर को, ये फॉलो किया और वैसे ही ये भी फॉलो किया, 5 बार अगर इसे डिवाइड करेंगे 26 को 5 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो ये भी फॉलो कर रहा है मगर ये नहीं फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑड वन आउट हो गया। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, आपके बोर्ड पे है, इसमें आपको बताना है, क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें बताना है कि हूबहू उसी के जैसा कौन मैच खा रहा है। क्वेश्चन है उसमें सिंपल सा है, आसान सा क्वेश्चन है, दिया है स्क्वायर और यहां पे 4 लिखा है, बोला ऐसे ही ऑप्शन दिया है आपसे ए बी सी डी, ठीक है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन पे, ठीक है। स्क्वायर 4 मतलब स्क्वायर जो होता है, वर्ग जो होता है, उसकी साइड कितनी होती है, 4, तो आपको इस ऑप्शन से मैच करना है कि कौन सा उसमें ऐसा है जो सेम ऐसे ही सिमिलरिटी रखता है। तो जब आप ऑप्शन देखोगे कौन सा, ऑप्शन डी, ठीक है, अष्टभुज, तो अष्टभुज वाला ऑप्शन जो होगा सही होगा क्योंकि उसके आगे क्या 8 लिखा है, तो अष्टभुज में 8 साइड होती है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे, सभी लोग पढ़िए और आंसर दीजिए, ठीक है। अगर आंसर गलत आता है तो फिर मैं जब बताऊंगा तो उससे मैच करिए कहां गलत कर रहे हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन है, सिंपल है, क्योंकि जो एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, ऑड वन आउट है, ये तो किसी का गलत नहीं होता है, ठीक है। चलो इसमें क्या है कि बोल रहा है कागज, कागज से क्या बनता है, किताब बनता है, बनता है कागज से किताब। तो आपको वैसे ही मैच ऑप्शन में ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, कि जैसे ये कागज से किताब बनता है तो ऐसे ही उसमें भी कुछ सिमिलरिटी हो। तो आपका ऑप्शन जो है सी, बोल रहा है धातु से क्या बनेगा, धातु से सिक्का बनेगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा क्योंकि इसी से यूज करके हम सिक्का का सिक्का बनाएंगे, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी है, ठीक है, ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज का भी रोल हर एग्जाम में अच्छा होता है आपका, कम से कम 3 क्वेश्चन पूछता है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन, वैसे नंबर सीरीज, उसके बाद से आपका क्या डिस्टेंस डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन, इनका रोल काफी होता है हर एक एग्जाम में, क्वेश्चन इससे अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए सीरीज दिया है आपका क्या है, 512, 768, 1152, 1728। वीडियो पॉज करिए और इस सीरीज का आंसर निकालने की कोशिश करिए, क्या आएगा इसका आंसर, क्या चलेगा, जिसका आ गया होगा मेरे से मैच कर लेना कि क्या सही निकाले या गलत निकाले हो तुम लोग। चलो देखते हैं इसे, इसमें बोल रहा है कि 512, 768, 1152, 1728, तो इसमें क्या हो रहा है, 512 में 768 ऐड हो रहा है, तो कितना ऐड हो रहा है इसमें, इसमें 256 का गैप है, ठीक है। 256 क्या है, ये 512 सीरीज क्या चल रही है, प्लस 512 का हाफ, ठीक है, तो 512 का हाफ क्या हो जाएगा आपका 256, तो वही ऐड हुआ है, सेम ऐसे ही इसमें यही सीरीज चल रही है, तो वही करना है हमें, 1728 प्लस 1728 का हाफ, तो क्या हो जाएगा इसमें 728 प्लस 864, आपका कितना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन जो है 2592, ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है।
तो ये आपका क्या चल रहा था, पहले वाला जो है उसमें उसका हाफ ऐड हो रहा है तो अपना अगला टर्म आ रहा है, वैसे इसमें क्या हो रहा है, ये प्लस इसी का हाफ ऐड हो रहा है तो अगला टर्म आ रहा है, तो बस सिंपल सा लॉजिक था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, शायद ये 16 क्वेश्चन नंबर था, 17 पे आते हैं। 17 नंबर में सीरीज है, ऐसे ही शुरू होता है, देख लेते हैं उसे भी। 512, 511, 255, क्वेश्चन मार्क 63, 31, 15 और 7। इसमें क्या हो रहा है, वीडियो पॉज करो, आंसर निकालो, देखो निकल जा रहा है कि नहीं। ये आसान सा है क्योंकि लास्ट से जैसे मूव करोगे पता चल जाएगा कि इसमें चल क्या रहा है, सिंपल सा है। 7 में कितना ऐड हुआ है, 8, 8 7 15 होता है, इसमें कितना हुआ है 16, 6 5 11 तभी यहां बनाया है, इसका मतलब इसका डबल ऐड हुआ है, सबका अब डबल ऐड होगा, इसका डबल होगा तो 16 का ऐड 32, ठीक है 32 में अब इसमें कितना ऐड होगा 64, ठीक है तो 63 प्लस 64 करोगे तो 7 आएगा लास्ट में, देख लो ऑप्शन कौन सा, किस में लास्ट में 7 है, बी ऑप्शन में, मतलब 127 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ये ऑड वन आउट है, जो मैंने पहला वाला ये बताया था सर्किल की तरफ वैसे ही है, इसमें भी कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देख लीजिए और आंसर निकालिए, जिसका आंसर आ जाए उसके लिए क्या है भाई बताओ, एग्जाम जो है उसके लिए हलवा है, उसमें रीजनिंग का क्वेश्चन जो है कुछ भी नहीं है, और इस पूरे पेपर में कहीं भी आप देख लो कि ऐसा कोई रीजनिंग का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के अलावा जो SCF वाला मैंने बताया था, एक क्वेश्चन के अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसमें तुम लोग फंस जाओ, ठीक है। चलो इसमें क्या है, ऑप्शन ए ऑड वन आउट है, दिया है 42 24, यहां पे क्या है 9, और यहां पे क्या है 31 17 8, ऑप्शन बी है ये, ऑप्शन सी है 36 24 6, उसके बाद ऑप्शन डी है 45 23 और 11। अब इसमें क्या चल रहा है आपका, देखो इसमें क्या है, इस वाले में 9 × 2 हो रहा है 18, ठीक 18 में 24 ऐड करोगे तो 8 4 12, तो ये पूरा ऐड होके ये 42 आएगा, ठीक है। उसी तरफ इसमें 8 × 2 16, 16 में 17 ऐड करोगे तो कितना आएगा 7 6 13 1 2 33, मगर लिखा कितना है यहां पे 31, तो ये फॉलो नहीं करेगा, तो आपका बी जो ऑप्शन होगा वो ऑड वन आउट होगा। सी भी चेक कर लो, 6 × 2 12, 12 और 24 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको इसको प्लस करोगे तो 36 आ जाएगा, मतलब ये प्रोसीजर सब में फॉलो हो रहा है, सिर्फ ऑप्शन बी में नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा ये ऑड वन आउट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, फिगर सीरीज से है, फिगर सीरीज वो भी आसान सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सभी लोग देखो वीडियो पॉज करो आंसर निकालो, उसके बाद जब मैं बताऊं उसका आंसर मैच करो कि आया आपका सही या नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, मैं बना दे रहा हूं फिगर, सिंपल सा है, ठीक है। इसमें ए है यहां पे, बीच में स्मॉल में लिखा है बी, उसके बाद सी डी ई, अगला फिगर है एफ, इसमें कैपिटल लेटर में, उसके बाद जी है, फिर एच है, आई है, जे है, अगला है आपका, अब इसमें देखो यहां पे क्या है, स्मॉल है यहां कैपिटल है, फिर क्या आएगा स्मॉल आएगा बीच वाले में, तो इसमें क्या आएगा के स्मॉल में, एल एम एन ओ, अगले वाले में क्या होगा फिर कैपिटल होगा पी, ठीक है क्यू आर एस टी, एक और है उसके बाद यू स्मॉल में वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो आपसे पूछ रहा है इसके बाद नंबरिंग किया है 1 2 3 4 5, छठवां नंबर वाला पूछ रहा है कि छठवां वाला नंबर क्या होगा इस सीरीज का आगे क्या होगा, तो इसमें कैसे चल रहा है देखो ए बी सी डी ई, मतलब ऐसे कुछ चल रहा है, ठीक है यही चल रहा है कॉन्सेप्ट, तो इसी में आप देखोगे और कैसे चल रहा है इस पे गौर करोगे, यहां पे स्मॉल है कैपिटल है स्मॉल है कैपिटल है स्मॉल आ गया, तो अब क्या आना चाहिए लास्ट वाला आपका
कैपिटल आना चाहिए, जेड आपका कैपिटल में होगा क्योंकि ये कहां था UVW XY, तो जेड ही आना शुरू होना चाहिए, जेड यहां पे होगा बीच में, उसके बाद यहां ए, यहां बी, यहां सी और यहां डी, तो सेम वही प्रोसीजर चलेगा। ठीक, तो ये ऑप्शन जिस फिगर में होगा वही आपका आंसर होगा। तो ऐसा कौन सा फिगर है? ऐसा फिगर आपका ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है, सॉरी, जो सी है ऑप्शन, वो आपको फिगर सेम ऐसे ही मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए दो से तीन क्वेश्चन जो है, तीन क्वेश्चन आपको इसमें सीरीज से आया था, तो तीन क्वेश्चन तो कम से कम रहेगा। अब उसमें डिपेंड करता है कुछ नंबर सीरीज, कुछ अल्फाबेटिक सीरीज, कुछ फिगर सीरीज। चलिए ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सभी लोग स्क्रीन पर देख लो, पॉज करो, उसे आंसर निकालने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या है? 64/9, 32/27, 16/81, 8/243, 4/7/9। अगला पूछ रहा है आपसे क्या होगा, तो यहां देखते ही आपको पता चल जाएगा कि स्क्वायर या क्यूब जो भी होगा। ये देखना, ये क्या है? 2 का स्क्वायर, ये क्या है? 2 का क्यूब, ये 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 5, ये 2 की पावर 6, और नीचे क्या चल रहा है? 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, तो आगे क्या आएगा नीचे में? 3 की पावर 7। तो इसका मतलब 3 इसमें और ऐड कर, मल्टीप्लाई कर दो, तो जिसके लास्ट में 7 हो ऑप्शन में देख लो बेस में, और यहां पे क्या होगा? जब ये 2 की पावर 2 है तो यहां पे इसका मतलब 2 की पावर 1 होगा, तो यहां पे 2 की पावर 1 वाला देख लो, ऑप्शन तुरंत मैच कर लो, पूरा करने की जरूरत नहीं। ऑप्शन डी में ऐसा है कि जो यहां पे 2 है और इसके लास्ट वाले में 7 है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 2/2187 वाला, ये ऑप्शन डी जो होगा ये सही होगा। तो ये आपके पूरा कंप्यूटर ऑपरेटर के क्वेश्चन का पेपर का सॉल्यूशन रहा। ठीक, तो इसी के साथ ये सेशन एंड करते हैं, अगले सेशन में मिलते हैं कुछ धमाकेदार क्वेश्चनों के साथ जहां आपको मजा आएगा। अब जो होगा, हम क्वेश्चन जो कराएंगे वो एक टॉपिक वाइज चलेंगे प्रीवियस ईयर पे, जैसे आपको प्रीवियस ईयर में कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन हो गया, उसका मैं पूरा का पूरा एक साथ कोडिंग डिकोडिंग जितने भी पेपर हुए हैं आपके 18, 19, 20 में, वो पूरा UP SSSC के द्वारा, वो पूरा का पूरा एक साथ करके मैं आपके टॉपिक वाइज करा दूंगा। चलिए अगले सेक्शन में मिलते हैं, धन्यवाद।